कब से यहाँ हाथ फैलाए खड़ा था। लो, दुआ कबूल हो गई और मेरी झोली भर गई। ये दुआ फिलहाल कबूल नहीं होने वाली। हर चीज का एक सही वक्त और मकाम होता है, और इस वक्त मुझे इस मकाम की मरम्मत करनी है, वरना आफत सर पे टूट पड़ेगी। नीचे उतरो। अरे ये क्या कर रहे हो? उतरो ना। शादी कर लो मुझसे। क्यों? ताकि तुम मेरी हो जाओ। मैं तो हूं ही तुम्हारी। ताकि तुम हमेशा मेरी रहो। डरते हो कि मेरी नजर ना बहक जाए? हाँ। और तुम्हें लगता है कि एक सामाजिक रिवाज का बंधन मेरी दिल की गवाही से ज्यादा मजबूत है? मेरी प्यारी मजबूत जीनत, तुम इसे जो चाहो समझो, मेरी कमजोरी या फिर मेरी बुजदिली। लेकिन अब मैं इस छुपा छुपी से तंग आ गया हूं। जानता हूं कि इस जमाने का डर मेरा था, तुम्हारा नहीं। लेकिन अब बहुत हो गया। कल मैं सऊदी जा रहा हूं। मुझसे शादी कर लो। सही वक्त, सही मकाम। बा अदब बा मुलाइजा होशियार, जिल्ले इलाही पधार रहे हैं। ये चला जाए फिर तू भी हमारे साथ इस मंदिर को चढ़ना, बड़ा सुंदर है। जी ससुर जी। जिधर हो बेटा, जिधर। कुलदेवी तुझे तेरी यात्रा में सुरक्षित रखे बेटा। मेरी लस्सी कहाँ है? कभी बिना मांगे मिल सकती है? मैं लेके आता हूँ। उसे इतना मत बिगाड़ जोरू का गुलाम। बहुत याद आएंगे, उतने नहीं जितने मुझे। जल्दी लौटा। इसकी याद मिटने से पहले ये मिटने वाली यादें कहाँ। आमिर खान, तुम जीनत फातिमा से निकाह करना चाहता हूं। मेहर में ये पाली हूं और मेरा दिल देता हूं। मैं जीनत फातिमा तुम्हारा निकाह कबूल करती हूं। मेहर में लेती हूं ये बालियां और तुम्हारा दिल, तुम्हारी जान, तुम्हारी रूह। मेरी जान, मेरी रूह। Thank you.
रो मत, मेरा जाना और कठिन ना बनाओ। दर्द मेरा है, जैसे चाहूं वैसे झेलूं। तुम्हें पता है मैंने क्या मांगा? कि ये सूरज कभी ना डूबे, ये दिन कभी ना ढले। हाँ, तुम्हें कैसे पता? मैं तुम्हारे मन की बात जो सुन सकता हूँ। अच्छा, तो अब मैं क्या सोच रही हूँ? यहाँ नहीं। एक आध चिट्ठी भेज ही देना। तो गांव का नाम रोशन, सेहत का जरूर ध्यान। जी पिताजी, पाए रहो। जीते रहो, जीते रहो, पाए रहो। अपना ख्याल रखना और खत लिखते रहो। जी जरूर। और जो पैसे भेजते हो ना, वो पैसे खमणपुर के पोस्ट ऑफिस को मत भेजना। और ठीक तरह से खाना। हाँ, और पैसे भेजना एक बड़ा। ठीक है। हाँ, अपनी तबीयत संभाल। जी जरूर, अपना ख्याल रखना। भाईजान जरा संभाल के रखिए, देखिए लिटा दीजिए, आराम से आराम से। हमें खुदा हाफिज कहने का मौका दिए बिना ही जा रहे थे बेटा। आपने चारा ही क्या छोड़ा अबू? शादी करने से पहले हमारी इजाजत तो मांग लेते आमिर। अम्मी, इसी इजाजत के इंतजार में मैं अपने 2 साल गवा बैठा। जरा यहाँ आइए। सलाम अलैकुम। अब्बू, अम्मी, ये है जीनत, आपकी बहू। अब या तो आप इस हकीकत को गले लगा ले, या फिर अपनी नफरत में इसे ठुकरा दे। आप तो जानते ही हैं कि ये इसे दोनों सूरतों में मंजूर है। हाँ, जानते हैं। तो फिर अपना फैसला भी सुना दीजिए। ये जल्दबाजी कैसी? अब्बू, सीधी सी बात है, हाँ या ना? ठीक है, तो फिर मेरी खबर मेरे लौटने पर ही लेना। फोन और चिट्ठी सिर्फ जीनत को आएंगे। इतने सख्त न बनो बेटा। अम्मी, क्या आपने कभी सोचा है कि आप कितनी सख्ती से पेश आती रही है हमारे साथ? ख्याल रखना और पहुंचते ही खत लिखना। हाँ।
आखिरी आंसू जब तक लौट के नहीं आओगे मैं नहीं रोऊंगी। सोचता था कि खुदा तुझको बनाया क्यों कर, अब तो बस शुक्र अदा करता हूं हरदम उसका। ये सब मुझे चिट्ठी में भी जरूर लिखना मेरे शायर। समझना कि इसमें मैं बंद हूं, मुझे संभाल के रखोगी ना? अरे आओ आओ। ठीक ठाक भाई हो? हेलो हेलो। अरे उधर को ना पलट वरना कनेक्शन टूट जाएगा। हेलो। अच्छा हेलो 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 मेरी जान। कैसे हो? फर्स्ट क्लास। और तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अपने खाने पीने का ध्यान रख रहे हो ना? हर महीने क्या यही सवाल करोगी? हाँ मैं बस चाहती हूँ तुम्हारी आवाज़ सुनती रहूँ, अपनी आजादी की आवाज। तुम सुनती रहोगी तो मेरा क्या होगा? फंसा हुआ हूँ इस धूल और धूप के बीच। वैसे तो तुम्हारा भी यही हाल होगा, लेकिन अपनी आवाज सुनाती रहो। समय समाप्त। मेरा नाम लो। तुम्हारी ओर आ रहा हूँ मुझे। हाँ मेरा नाम मीरा। बस अब अगले महीने फोन करूंगी। अपना ख्याल रखना। अभी तो 10 सेकंड बचे थे, कुछ और क्या सुन लेती। आती रहना हाँ, वरना मेरा तो धंधा ही डूब जाएगा। और कितने महीने? बस 3-4 महीने की बात है। इस महीने खबर करें। चंद महीने और फिर ये पुरखों की हवेली हमें वापस मिल जाएगी, उसके साथ हमारा सम्मान भी। दिल पर पत्थर रखकर इसे किराया भी दिया है। बड़ा घनिष्ठ संबंध है पुरुष के सम्मान का उसकी हवेली उसके घर के साथ, और आज ये जो खुशहाली आई है उसका कारण तू है बहू, तू है। मैंने क्या किया है? कमाई तो आपके बेटे की है। मेरा बेटा जितना उधार पिछले 6 महीनों में चुकाया होगा उतना हम पिछले 5 वर्षों में भी नहीं कर पाए थे। सो तो है, लेकिन ये घर की लक्ष्मी बनकर आई है ना। ब्याह से पहले निकम्मा था तुम्हारा लाडला। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। अम्मी आप किसी को यहाँ काम पे रख लीजिए।
कितनी बार समझाया है मैंने आप लोगों को, इन बूढ़ी हड्डियों को अब कुछ मदद की जरूरत है। यकीन नहीं होता कि तुम्हें पहचानने में हमने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। कोई बात नहीं अबू, मैं भी तो आप दोनों को बड़ा बदमिजाज, कंजूस, बदहाल, घमंडी और कड़ू समझती थी। बेटी थोड़े से पैसे तुम भी रख लो, मेरी तनख्वाह मेरे लिए काफी है। तुम जानती हो कि इसकी हकदार तुम भी हो। हाँ, लेकिन इसकी जरूरतमंद नहीं। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। लीला, वो मेरा और शंकर का कमरा होगा। और इधर कौन रहेगा? इधर राज रहेगा और यहाँ सासा जी रहेगी। और इधर? इधर तुम रहोगे। केसरिया बालम जी नहीं, आपका नाम तो यहाँ है नहीं। मुझे भी आश्चर्य हो रहा है। भाई से ऐसी लापरवाही तो पहले नहीं हुई। अगले महीने पैसे दे दूंगी, इतना तो विश्वास है ना? ना, विश्वास तो है। तो फिर बस एक मिनट। चल कोई ना, कर ले। हेलो, मैं मीरा बोल रही हूँ। शंकर सिंह से बात कर सकती हूँ? बोल रहे हैं? हाँ, एक बार फिर बताइए। जी जी, ठीक है।
आमिर को किसी के खून के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है, सजा दी गई है, सजाए मौत। ख्याल में हमें अकबर मियां की सलाह ले लेनी चाहिए। इमाम साहब कोई ऐसा रास्ता बताइए जो हमारा बच्चा साफ। अल्लाह पर भरोसा रखिए, अल्लाह ही मददगार है। आप पीर बाबा के मजार पर जाकर चादर चढ़ाएं। मैं भी अल्लाह से दुआ जी। क्या आप आमिर खान के पिता हैं? जी हाँ। नटराजन, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से आया हूँ, दिल्ली से। सारी डिटेल्स तो हम भी नहीं जानते हैं, पर इतना पता चला है कि आमिर और उसके साथ जो रहता था शंकर, दोनों में कुछ बहस हुई। शंकर बालकनी से गिर गया, शायद आमिर ने धक्का दिया। 10वें माले पर रहते थे। मगर उन दोनों की तो अच्छी बनती थी, आमिर ने मुझे शंकर के बारे में लिखा भी था। करेक्ट, उसके पड़ोसी भी यही कह रहे थे। तो फिर ये यकीनन एक हादसा था। मुझे भी यही लगता है। बड़ी मुश्किल से 2 मिनट बात हुई आमिर से पिछले हफ्ते, और वो भी यही कह रहा था। तो हम उसे जेल से छुड़वा सकते हैं ना? आप वहाँ की पुलिस को बोलिए कि आमिर बिल्कुल बेकसूर है। आसान नहीं है, वहाँ कोई और गवाह भी नहीं था, सिर्फ आमिर का बयान है। आमिर एक ट्रक ड्राइवर है और उसकी जिंदगी सौदा करने लायक नहीं। मैम, ऐसी खबरें नॉर्मली लोकल पुलिस आपको देती है। मैं खुद आया हूं छुट्टी लेकर। शुक्रिया आपने जहमत की। क्या मैं आमिर से बात कर सकती हूँ? हमें यह भी नहीं मालूम वो किस जेल में है। उसे 2 महीने में सजा दे दी जाएगी। 2 महीने? वैसे तो अमीर भी होते तो उधर भी कम होते। देखिए, मैं आपकी उम्मीद बढ़ाना नहीं चाहता, लेकिन शायद एक रास्ता है। सऊदी कानून के अनुसार अगर विधवा अपने पति के कातिल को माफ कर दे अगर शंकर की पत्नी इस माफीनामे पर दस्तखत कर दे तो आमिर की जिंदगी बच सकती है। खुदा का शुक्र है। तो फिर हम फौरन ये कागजात उसे भेजेंगे। प्रॉब्लम ये है कि हमें ये भी नहीं मालूम कि वो रहती कहाँ है। शंकर राजस्थान का निवासी था, पर उसके पासपोर्ट पर एड्रेस नकली है। ये आमतौर पर होता है। हम छानबीन कर रहे हैं, वक्त तो लगेगा, लेकिन हमारी सरकार बातचीत कर रही है सऊदी सरकार से। वक्त लग सकता है? मुझे आपकी बात समझ में नहीं आ रही है। आप कायदे कानून जानते हैं, क्या कुछ नहीं हो सकता इसके बारे में? सर, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, राजस्थान बड़ा स्टेट है, डिपार्टमेंट से लोग गए हुए हैं, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे इतना बड़ा स्टेट भी नहीं है, कहीं ना कहीं मिलेगा, बस उसकी दस्तखत मिल जाए। अगर जरूरत पड़ी तो मैं चाहूंगा। कहाँ चली? उस औरत को ढूंढने। कैसे? नहीं मालूम, इतना जानती हूँ कि वह राजस्थान में रहती है। और वहां जाओगी कैसे? नहीं मालूम। जिसे अपने ऊपर इतना भरोसा है उसे इतनी सारी बातें नहीं मालूम।
इतना मालूम है कि वो मेरी मदद जरूर करेगा। मेरी जान हर बार हर बात उस पर नहीं छोड़ी जा सकती, इसलिए तो खुद भी जा रही हूँ। लेकिन उसे ढूंढोगी कहाँ? मेरे पास आमिर और शंकर की एक तस्वीर है। राजस्थान इतनी बड़ी जगह है, एक तस्वीर लेकर क्या हर दरवाजा खटखटाओगी? यहाँ हाथ पे हाथ रखकर तो नहीं बैठ सकती। अच्छा अच्छा ठीक है, कोई और मालूमात उसके बारे में? और यकीनन तुम्हें अभी इसी वक्त रवाना भी होना है। हाँ। पता नहीं खुदा तुम्हें बनाते वक्त क्या सोच रहा था। आमिर भी यही कहा करता था। अब तक तो सारी बसें भी जा चुकी होंगी, क्या कल तक इंतजार नहीं हो सकता? एक लम्हा भी और ठहरूं तो लगेगा कि मैं आमिर को मौत की ओर धकेल रही हूं। इन कागजात पर दस्तखत कराए बिना मैं नहीं लौटूंगी बेग साहब। ठीक है, चलो मेरे साथ। कोने मेरा कुत्ते। हाँ उठे। सस्त्री अकाल जिंदर, सस्त्री अकाल। सलाम वालेकुम बेग साहब। वालेकुम। की हाल है, बड़े साला बाद मिले हो। बस अल्लाह दा करम है, तू अपनी सुना। एकदम फर्स्ट क्लास। ऐ कौन है? ए जीनत है। वाई गुरु, छोटी फुलझड़ी। अब तो बड़ी फुलझड़ी। जिंदर, पुत्र तेरे नाल ही कम है। जरूर, पर पहले पेट पूजा पादज कम दो जा, वो बेग साहब एक गोश पुलाव जाए। चल। बेग साहब तुम जानते हो ये तो बिल्कुल पागलपन है। और ये लड़की भी तो पागल ही है। राजेंद्र, अगर कोई ये काम कर सकता है ना तो यही है।
बड़ा अफसोस, मैं तेरे नाल नहीं रह सकता। मैंने एक डिलीवरी करनी है। आपने जो कुछ भी किया उसका बहुत शुक्रिया। खैर ना जा छोटी, वो रब चाहे तो तेनू वो कुड़ी जरूर मिल जाएगी। ढूंढ तो निकालूंगी उसे, मैंने पूरा विश्वास है। रब रखा छोटी, चंगा, सत श्री अकाल। अच्छा अफीम खत्म हो गई है। गौरी, राज को कुछ पैसे दे दो। जी, मेरे पास नहीं है। घर में चार पैसे नहीं है। चोपड़ा जी से अगले महीने का किराया मांग लूं? कोई जरूरत नहीं, भीख नहीं मांगेंगे। मेरा बेटा होता तो आपका खलन कभी खाली ना होने देता। कभी नहीं। अगर चंद सिक्कों के लिए उसे पराये देश को ना भेजा जाता तो ये दिन ना देखने पड़ते। मैं एक ज्योतिषी हूँ। वो तो शक्ल से ही लग रहा है। अब चलिए यहाँ से। अगर मैं आपको बताऊँ कि आपको क्या चाहिए तो क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? क्या चाहिए तुम्हें? देने को पैसे नहीं है मेरे पास। भोजन तो बांट सकती हो। ठीक है, बताओ। सुनो, आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है। तुम एक तलाश पर निकली हो, कुछ खोज रही हो। हर इंसान कुछ ना कुछ खोज रहा है। तुम जिस तलाश पे हो जा रही वो है कन्या, एक नारी। और बताओ। दूर से आई हो, थकी हो, हारी, एक बड़े से वाहन में, शायद एक लॉरी। धन्यवाद। मेरा भविष्य? तुमने मुझे सरदार की लॉरी से उतरते हुए देखा ना? इस नाटक से तुम लोगों को उल्लू बना लेते हो कभी कभी। दरअसल मैं एक बहरूपिया हूँ। क्या हो? बहरूपिया तो हमारे बिरादरी के लोग गांव शहर घूमते और भेष बदल कर लोगों को धोखा देते हैं। नहीं नहीं, लोगों का मनोरंजन करते हैं। तुमको तो एक्टिंग बिल्कुल नहीं आती। अरे नहीं नहीं मैडम, क्या कहती हो, मुझ जैसा कलाकार नहीं। अरे गीत सुना सकता हूँ दादरा, गिन के पूरे बारह मातरा, चाहे नमूना देख लो गावलो। मस भी तैयार है, बसंत भी तैयार है, मतलब मरना कैंसर। ए, ये धरती मेरी माँ है सर, इसने मेरी माँ को गाली दी है सर, मेरी माँ को। ए चड्डा, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना तो आदमी उठता नहीं है, उठ जाता है। ए सर्किट, तेरे को मालूम है क्या रे, अपने बॉडी में 206 टाइप की हड्डी होती है, तोड़ते टाइम अपन सोचते हैं क्या रे। हाँ देखो, बारिश हो रही है, इतरेनिंग दिल दीवाना बिन सजना के माने ना। जन को देखो ना जो, जन को देखो ना जो, एक बार आना जो आना। मान गई, जबरदस्त एक्टर हो। धन्यवाद, अब मैं चला। किसी और को बहकाने? भोजन के लिए धन्यवाद, भगवान चाह तो फिर मिलेंगे।
या अल्लाह मेरा बैग। क्षमा कीजिए, आग लग गई थी। मैं अभी आपकी लस्सी। रणधीर के पिता का जब स्वर्गवास हुआ तो मेरा भी यही हाल बना। जीते जागते इंसान को एक पल में बेजान निर्जीव कठपुतली बना दिया जाता है। मेरे बेटे तक ने मुझे पराया कर दिया। आप मेरे साथ हमेशा इतनी कठोर क्यों थी दादी माँ? जलती थी तुझसे बेटे, उस जिंदगी से जो कभी मेरी न बन सकी। तेरा और शंकर का प्यार खटकता था। इतनी अजीब बात है कि हम औरतें भी कभी एक दूसरे का साथ नहीं देती, तो फिर मर्दों से क्या उम्मीद रखी जाए? मुझे माफ कर देना मेरी बच्ची। आज पहली बार किसी ने मुझे छुआ है दादी माँ। 2 महीने में पहली बार मुझे शंकर की याद बहुत आती है। याद तो वो हम सबको आता है बेटी। सब मुझे दोषी क्यों ठहरा रहे हैं? इसमें मेरा दोष नहीं है। मैं जानती हूँ मेरी बच्ची, जानती हूँ। मुश्किल होगा किसी और को अपने घर में अपनी जगह रहते हुए देखना। आपको कुछ अंदाजा ही नहीं, इतना करीब था मैं, इतना करीब। चंद दिनों में ये हवेली मेरी होती, लेकिन शंकर को जाकर तभी मरना था। उस दिन मैं एक साथ सब कुछ खो बैठा चोपड़ा साहब। मेरा बेटा, मेरी हवेली, मेरी मर्यादा। आपको मैंने कितनी बार कहा है
हवेली को होटल बनवा दीजिए। कोई अपनी आबरू अपनी इज्जत बेचता है? मैं आपको बस कुछ दिनों के लिए किराए पे दे रहा हूं, एक दिन मैं ये हवेली वापस लेकर ही रहूंगा। भगवान करे ऐसा ही हो। अब आज्ञा दीजिए, मैं चलता हूं। आपकी मदद कर दूं? जी जरूरत नहीं है। यहां पे नहीं लगती हो? ये जगह अजनबियों के लिए खतरनाक हो सकती है। मैं ख्याल रखूंगी, शुक्रिया। अब जब आई गई हो तो खातिरदारी तो करनी पड़ेगी। इस थाने से भागे क्यों तुम? अच्छा हुआ आपने इसे ढूंढ निकाला, काफी देर से इसकी तलाश कर रहा हूं। झोलापुर के पुलिस थाने से भाग आई है। लेकिन झोलापुर का पुलिस स्टेशन तो यहां से 20 किलोमीटर दूर है। पर क्या करे, आजकल लड़कियां भी तो बड़ी तेज हो गई है। इतनी सी उम्र में इंस्पेक्टर कैसे बने तुम? यही समझाऊं कि ठाणे चल के प्रमोशन करूं? नहीं सर। फूट ले साले, वरना तुझे और तेरे इस टटपुंजे दोस्त को 5-5 साल की लगा दूंगा। इसकी जीभ तो कहीं दिखाई नहीं दी, जूते देखे थे उसके? ये आमिर तुम्हारा पति है? और तुम उसकी तलाश में आई हो? वो कागजात माफीनामा है? अच्छा, पढ़ सकते हो? कोई झंझट में फंसा है क्या? तो साफ बताओ ना। क्यों? तुम बताओगी तो मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगा। उस पे भरोसा करूं जो मेरा सब कुछ चुरा के भाग गया?
अरे चुराया होगा लेकिन भागा कहाँ? एक एक कौड़ी वापस ला दिए, देख लो। सुनो, अब जो हुआ बुरा हुआ, माफ कर। जो कुछ भी तुम ढूंढ रहे हो, मैं बस उस तलाश में तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। ये तो मेरे लिए क्यों करोगे? क्योंकि आजकल कोई काम नहीं है, क्योंकि तुम एक अजनबी शहर में एक अजनबी हो, क्योंकि मैं यहाँ का चप्पा चप्पा जानता हूँ, और क्योंकि तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी। अभी तो चोर थे, इतने दरिया दिल कैसे बन गए? क्योंकि किसी के काम आने के मौके जब मिलते तो उन्हें गंवाना नहीं चाहिए। अच्छा डायलॉग है। इसे कहाँ से चुराया? ताना दे रही हो? ठीक है। तो अब पूरी दास्तान समझ में आई। तो हमारे पास उस फोटो को छोड़कर और क्या है? और भी तो कुछ होगा ना? अरे कौन पागल इतनी दूर एक फोटो के सहारे आता है? मैं। एक फोटो? एक फोटो लेकर हम कली कली घूम कर हर द्वार खटखटाएंगे और 10-20 साल के बाद उस इंसान को ढूंढ निकालेंगे जिसे दुनिया कहती है शंकर। ये क्या है? जो चुप रहेगी जवाने खंजर, लहू पुकारेगा आस्तीन का। इस दीवार पर लगी फोटो देख रही हो? जानी पहचानी जगह लगती है, पर ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। चलो मेरे साथ। ये आदमी हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से बचता चला आ रहा है, और अब इसको पकड़ना हम सबकी जिम्मेवारी हो गई है, क्योंकि ये बचता चला आ रहा है हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, और इसका एक बड़ा सा ब्लॉक कर दीजिए। इसकी फोटो हम चारों तरफ लगा देंगे। आप एक फोटो हर जगह लगाएंगे? इसकी कॉपी नहीं चाहिए? स्मार्ट हैं आप। हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका एहसानमंद है, बल्कि मैं तो कहूँगा कि पूरा देश आपका एहसानमंद है। और या इस हिस्से को बड़ा करना है। इसके पैसे तो आपको मिलकर ही रहेंगे। आप बस हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आइए और एक कार्ड दिखाकर हाईग्रीव सिंह का नाम ले लीजिए। वो फौरन आपको चेक काट कर दे देंगे। नहीं, आप बिल्कुल मना नहीं करेंगे। धन्यवाद। मेरा शक सही निकला। नीले घर, जोधपुर। चलो चलो। अरे बाबा मेरा यकीन करो, वो जोधपुर है, मैं जानता हूँ। मैं ले चलता हूँ तुम्हें। चलो चलो। अभी आधा घंटा लगेगा बस स्टैंड जाने में, फिर आधा घंटा लगेगा बस को आने में, फिर आधा घंटा लगेगा मैं उस जगह जाने में जहाँ से मैं दूसरी बस मिलेगी। मैं ले चलता हूँ तुम्हें। अब उस जगह की तलाश जहां से यह तस्वीर ली गई थी। यानी? अरे सुनो। बड़े चने खा के घोड़े जैसे ताकत पाएंगे हम लोग। वेरी चीप, 500 रुपीज वन बैंगल। हम
वक्त रुकने का नाम नहीं लेते। अरे कहाँ जा रहे हैं? दिन भर चलाती हो, न खाना खिलाती हो न पानी पिलाती हो, जी करता है जहाँ तुम खड़ी हो वहीं से कूद के जान दे दो। थक गया हूँ यार। खड़ी थी। अब क्या करें सरदार? इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि आधे तुम्हारे आधे मेरे। क्या? अरे हजारों घर होंगे यहाँ। तो हर दरवाजे पे तो नहीं जा सकते ना? मैं सारे राजस्थान के दरवाजे पे जाने को तैयार थी। हजार दो हजार का क्या है? अरे देखो, हमें तो ये भी नहीं पता कि वहाँ रहते भी है या नहीं, शायद छुट्टी पे आए थे। ये तो पूछताछ के बाद ही पता चलेगा ना। भगवान, अच्छा रुको रुको, सरासर बेवकूफी है। शायद एक और तरीका है। जी, हम आपकी मदद मांगने आए हैं। धोखेबाज, चंद रुपयों की बात नहीं है, मेरा भरोसा चुरा के भागा था ये। पर वापस आने की हिम्मत भी तो की। हाँ, कोई शक नहीं, ये लोग राजपूत हैं। ये सोने की लौंग, ये सतरंगी पगड़ी, ये गले का कड़ा, इनके कपड़े, ये सब। कहा था ना, मास्टर जी राजस्थानी इतिहास पढ़ाया करते थे, अब रिटायर है। तो इससे किसी ने पूछा? नहीं। इसके आगे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इनकी जात, ये मास्टर जी। मास्टर जी, क्या? मैं सोच रहा था अग्निवंशी नहीं नहीं होंगे। हाँ, ये अग्निवंशी हो सकते हैं। तुम्हें काम करो, यहां से 50 किलोमीटर दूर हाईवे 11 के उस पार सिरोगढ़ नाम का एक गांव है। तुम वहां चले जाओ, शायद वहां तुम्हें इनके बारे में कुछ पता लग सके। शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद मास्टर जी। अब बस बस यहीं रोक दो। रात को एक चुटकी पाउडर दूध के साथ ले लेना, सुबह अगर नया पलंग ना खरीदना पड़े तो पैसा वापस। जी, क्या ये शंकर सिंह का घर है? जी, मेरे पति और शंकर दोस्त हैं, थे। आइए। अच्छा हुआ जो मिलने चली आई। दुर्घटनाएं तो होती हैं, लेकिन हम पर बड़ी भारी गुजरी। बड़ा मुश्किल होगा आप सबको और शंकर की पत्नी को। वो है यहाँ? हाँ, मेरा भीतर है, काम कर रही होगी। तो आपके पति शंकर को कैसे जानते थे? आमिर और शंकर सऊदी में एक साथ रहते थे। उसके साथ? क्या वही है जो? जी, लेकिन जो कुछ भी हुआ जानबूझ के नहीं हुआ, वो एक हादसा था। यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई तेरी?
तू यहाँ हमारे घाव को नोचने आई है? नहीं नहीं, मैं आप सबका दर्द समझती हूँ। निकल जा यहाँ से। मैं शंकर की पत्नी से बात करना चाहती हूँ। साली, जबान संभालो अपनी। देखिए, आप सबका गुस्सा जायज है, पर शराफत से तो बात हो सकती है ना? मैं मीरा से मिलना चाहती हूँ। ये नहीं हो सकता। खुदा के वास्ते मेरी बिनती सुनिए, मैं मीरा से बात करना चाहती हूँ। मीरा से कोई कुछ नहीं कहेगा। क्या हुआ? अरे कुछ तो कहो। उसे मिलने का कोई तो तरीका होगा। मैं उसे एक बार बात कर लूँ ना, तो उसे मना लूंगी। हम यहाँ उसका इंतजार करेंगे और पता लगाएंगे वो कब और कहाँ आती जाती है। हमसे तुम्हारा मतलब है कि तुम और क्या? मैं और क्या?